हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लौकी खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, तो आइए आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये लौकी लिया है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम छील लेंगे कि हम पहले इसका छिलका अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो ऐसे इसके दो भाग कर लेंगे, तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे भी ऐसे कट करेंगे और जो बीज है उसे हम निकाल देंगे। अगर बीज नरम है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर कड़क लगता है तो आप निकाल दीजिए। हम इसका बीज निकाल लेंगे। इस तरीके से जो व्हाइट वाला पार्ट है हम उसे निकाल के अलग कर लेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लौकी के व्हाइट पार्ट को मैंने कट करके अलग कर दिया है। मैंने ज्यादा नहीं निकालना है, अगर बीज नरम है तो आप उसे मत निकालिए, आप ऐसे ही बर्फी बना सकते हैं। बीज अगर कड़क है तो निकाल दीजिए और इसका क्या करेंगे, आप सब्जी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये कद्दूकस लिया है, इससे हम ये कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। फ्रेंड्स, गैस पे मैंने अभी पैन रख दिया है, पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे। पैन के अंदर 2 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर हम कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। लौकी को काटने के बाद फटाफट से उसे पकाना चाहिए, क्योंकि लौकी जो है हमारी काली पड़ने लगती है। तो जब भी आप इसकी सब्जी बनाएं या हलवा या बर्फी बनाएं, तो इसे फटाफट कट करके इसे पकाने के लिए रख देना चाहिए। तो अब हम लौकी को घी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रख के हम इसे भूनेंगे। सिर्फ 5 मिनट तक अच्छे तरीके से हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक लौकी को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर बाकी चीजें ऐड करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब दूध, जो मलाई के साथ है। इसी में स्वाद के अनुसार चीनी भी डाल देंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आप अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कम डालिए। अब लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। हमें लौकी की बर्फी बनानी है तो इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसके अंदर ना मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, ना ही मावा। दूध की सहायता से हम लौकी की बर्फी बनाएंगे। और इसके अंदर कोई फूड कलर भी ऐड नहीं करेंगे, हम नेचुरल कलर से ही बर्फी को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पहले से काफ़ी हमारा जो दूध है वो सूख गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। इसके अंदर हम 2 चम्मच सूजी डाल देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए लगातार चलाते हुए इस तरीके से जो है हमारा मिश्रण, देखिए ये सूख गया है। दूध जो मैंने इसमें डाला था, देखिए ये सूख गया है, लेकिन हमें अभी और थोड़ा सा इसे पकाना है ताकि अच्छे से इसकी बर्फी बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा जो दूध है लौकी में अच्छी तरीके से मिल गया है, ये सूख गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें मैंने घी पहले से लगा लिया है। अब इस पर मिश्रण को गिरा लेंगे। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये मैं काजू डाल रही हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं।
देखिए ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इस पे लगा लिया है। अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसमें बर्फी के कट लगा लेंगे और इसको सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे, तब ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी आती है फ्रेंड। इस तरीके की लौकी की बर्फी आप जरूर ट्राई करें, इसे बनाइए। जो बच्चे अगर लौकी की सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बनाइए। मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये बर्फी आपको कैसी लगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।